नाजरीन आज की वीडियो में बताया जाएगा कि चीन और तुर्की ने कौन सा बड़ा फैसला कर लिया कि सऊदी वली अहद की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 57 इस्लामी ममालिक का पाकिस्तान की सरबराही में नए ब्लॉक बनाने का फैसला। चीन ने अमरीका और भारत को कौन सी बड़ी साजिश को कुचल दिया। खतरनाक इंकशाफात सामने आ गए। मोदी ने आले सऊद को कश्मीर के खिलाफ बड़ा टास्क दे दिया। वीडियो के आखिर में बताया जाएगा की 2023 में 100 साल मुआहिदा खत्म होते ही कौन से अरब ममालिक तुर्की की खिलाफत में शामिल हो जाएंगे या अरब ममालिक तुर्की की हुक्मरानी को तस्लीम करेंगे। आगे चलकर तफसील से आपको बताया जाएगा। नाज़रीन इंतहाई अहम इतला के मुताबिक 57 इस्लामी ममालिक ने चीन के मौकफ को तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान की इस्लामी तावन तंजीम से दस्तबरदार होकर नया ब्लॉक बनाने का फैसला कर लिया गया। तुर्की, चीन और पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली ने मोहम्मद बिन सलमान को साइडलाइन कर दी। सऊदी वली अहद अमरीका की गोद में बैठ कर खुफिया साजिश बेनकाब हो गयी। कुआलालंपुर समिट में पाकिस्तान की अदम मौजूदगी में मोहम्मद बिन सलमान का खतरनाक मनसूबा मंसरेआम पर आ गया। भारतीय वजीर आजम ने सऊदी वली अहद से CPAC रखवाने का खुफिया मिशन सौंप दिया। भारत और अमरीका पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती को एटमी ताकत छीनने के लिए इस्तेमाल करने लगे। चीन के साथ $10 अरब का मुआहिदा मंसूब करके मोहम्मद बिन सलमान मईशत को नलामी पर लगा दिया। एशियन टाइगर बनते ही चीन ने अमरीका और भारत के असर रसूख को कुचल दिया। पाकिस्तान के साथ मंसूब किए गए मुआहिदे से कोई फायदा हासिल ना हुआ तो मोहम्मद बिन सलमान ने CPAC को निशाने पर रख लिया। चीन और तुर्की का पाकिस्तान से मुतल्लक अहम फैसला। सऊदी अरब की अजारादारी खत्म। 57 इस्लामी ममालिक ने सऊदी अरब की नींदे हराम कर दी। तुर्की, चीन और पाकिस्तान की नजरियात की हमायत का ऐलान। अमरीका, भारत और सऊदी अरब को सफारती मुआशी इकतसादी माहौल पर शदीद खतरात लाहक हो गए। आर्टिकल 317 पर भारत की हमायत करना और फलस्तीन के मुसलमानों पर और फलस्तीन के मुसलमानों का सौदा कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने उनके मुसलमान के साथ बड़ा हाल कर दिया। वीडियो में आगे चलकर बताया जाएगा कि 2023 में 100 साल मुआहिदा खत्म होते ही कौन से अरब ममालिक तुर्की की मलकियत में शामिल हो जाएंगे। नाज़रीन, सऊदी अरब को हर हाल में मुस्लिम ममालिक की लीडरशिप से दस्तबरदार होना होगा। तेल की पैदावार और मजबूत मईशत और उमते मुसलमान की सरबराही की वजह से सऊदी अरब को कदर की निगाह से देखा जाता है। इस्लामी ममालिक की तावन की तंजीम OIC में सऊदी अरब का बुनियादी असर रसूख पाया जाता था और मुसलमानों के साथ जुल्म व ज़ियादती पर इसके बयान को इंतहाई अहमियत के हामिल थे। कश्मीरी मुसलमान और बर्मा के मुसलमानों पर बर्बरियत के पहाड़ गिराए गए, लेकिन सऊदी वली अहद ने जो रद्देअमल जाहिर किया इससे हर चीज का रुख जाहिर कर दिया। हठधर्मी की इंतहा करते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने आर्टिकल 317 की मनसूखी को भारत का दाखिली मामला करार दे दिया और इसी ही भारत में 15 अरब की वसी सरमायाकारी का ऐलान कर दिया, जिसने उनके मुसलमान के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया, जिसकी वजह से साइडलाइन करना जरूरी समझा गया। सऊदी अरब का अमरीका और भारत की जानिब बढ़ता हुआ झुकाव और मकबी पॉलिसी की हमायत करना भी इस्लामी ममालिक की नजरियात की तुहीन था, जिसकी वजह से आलमी सतह पर अब बड़े फैसले किए जा रहे हैं। इसमें चीन इंतहाई अहम करदार अदा कर रहा है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि अमरीका चीन आलमी हरीफ है। अमरीका चीन का मुआशी तौर पर मजबूत होता नहीं देख सकता और फिर न सिर्फ खित्ते में बल्कि अक़वामी आलम में चीन का बढ़ता हुआ असर रसूख अमरीका की नींदे हराम कर रहा है। सऊदी अरब अमरीका की गोद में बैठ कर न सिर्फ पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रहा है बल्कि चीन के लिए भी खतरनाक जाल बिछा रहा है। अमरीका सऊदी अरब के पाकिस्तान से कुछ ऐसे फैसला कराना चाहता है जो चीन के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, अमरीकी इशारों पर नाचते हुए मोहम्मद बिन सलमान CPAC को किस तरह रोल बैक करना चाहते हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान चीन के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान अमरीकी असर रसूख से बाहर निकलने का बहुत पहले से फैसला कर चुका है। अमरीका पाकिस्तान से मुआशी और दफाई अमदाद नहीं चाहता। अमरीका चीन को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान पर सऊदी असर रसूख का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी बात में चीन ने फैसला किया कि सऊदी अरब को ही साइडलाइन पर कर दे। मुस्लिम उम्मा का नया लीडर वाहद एटमी ताकत पाकिस्तान को बना दिया जाए जो कि तुर्की के साथ मिलकर मुस्लिम दुनिया को लीड करे। हाल ही में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब से मुखातब होते हुए एक बयान भी दिया कि कश्मीर मेरी अवाम इस्लामी तावन तंजीम से आलमी सतह पर कश्मीर के मसले को उजागर करने की तवक्का रखते हैं। इस सिलसिले में सऊदी अरब के मुंतजिर हैं। अगर सऊदी अरब इनका इनकार नहीं करता तो हम इन इस्लामी ममालिक का इलाज तलब करेंगे जो मसला कश्मीर पर हमारे साथ खड़े हैं और इन कश्मीरियों की हमायत करते हैं। इस बयान से ये साफ जाहिर था कि पाकिस्तान OIC को छोड़ रहा है। इसके कबल पाकिस्तान सऊदी अरब की बात
मानते हुए कोलंबिया समिट में होने वाली सरबराही इजलास में शिरकत से इनकार किया। क्यों न के सऊदी अरब को इस इजलास से मुतलक कुछ तहफ्फुज़ात थे। पहला ये कि इस इजलास में ईरान भी शरीक था। दूसरा तहफ्फुज़ ये था कि सऊदी अरब कोलंबिया समिट को OIC के मतवाजी प्लेटफार्म समझ रहा था, जिसके बाद में मलेशिया की जानिब से तरदीद भी की गई। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के तहफ्फुज़ात को मद्देनजर रखते हुए कोलंबिया समिट में शिद्दत से इनकार कर सकता है, तो सऊदी अरब मसला कश्मीर से मुतलक OIC का इजलास क्यों नहीं बुला सकता। इसीलिए अब चीन, जो कि मसला कश्मीर में पाकिस्तान की खुलकर हमायत करता है, बात यहां तक आ पहुंची के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद सऊदी अरब ने और पाकिस्तान के माबैन हालात इंतहाई कशीदा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए गए 3 अरब डॉलर में से 1 अरब डॉलर वापस मांग लिए, जो पाकिस्तान ने चीन से लेकर सऊदी अरब को वापस दे दिया, जिसके बाद सऊदी अरब ने मजीद 1 अरब वापस मांग लिए है। सऊदी अरब ने कर्ज की अदब अदायगी के सबब रवा वर्ष मई से पाकिस्तान को तेल देना भी बंद कर दिया है। हालात इस कदर खराब है कि गुज़श्ता दिनों आर्मी चीफ को सऊदी अरब का दौरा करना पड़ा। दूसरी जानिब पाकिस्तान की चीन और तुर्की की हमायत भी सऊदी अरब और अमरीका को खटक रही है। सऊदी अरब ने अमरीका को खुश करने के लिए चीन से 10 अरब डॉलर की आयल रिफाइनरी की डील भी खत्म कर दी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर की वसी सरमायाकारी का ऐलान भी किया था। ये डील भी जल्द खत्म होती नजर आ रही है। जैसा कि चीन पाकिस्तान को सामने ला रहा है, तो इससे एशिया में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हो गई। अब भारत भी इस सूरत हाल से इंतहाई परेशान है। नाजरीन, लद्दाख में भारत चीन के हाथों छतरोल भी भारत को चैन की नींद नहीं सोने दे रही, और इधर भारत को एशियन टाइगर का ख्वाब दिखाने वाले अमरीका को भारत का पत्ता साफ न होते नजर आ रहा है। अब जबकि 2023 करीब है, अमरीका, इसराइल और सऊदी अरब की नींदें हराम हो चुकी हैं। डर है कि तैयब अर्दोगान दीगर मुस्लिम ममालक को साथ मिलाकर खिलाफत की बहाली की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। इंतहाई अहम बात यह है कि अमरीका को नाकों चने चबवाने वाले अफगान तालिबान भी तुर्की के हक में है, कि वो भी जान चुके हैं कि सऊदी अरब महज अमरीकी मफादात के लिए काम करता है। चीन बैकडोर के जरिए तुर्क लीडरशिप की अफगान तालिबान से मुलाकातें भी करा रहा है। इसके अलावा चीन ईरान को भी अपने साथ मिला रहा है, और चीन ये भी चाहता है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ अलाकात मजीद बेहतर हों। इसके लिए चीन पाकिस्तान को सऊदी कंट्रोल से बाहर निकाल रहा है। चीन चाहता है कि ईरान, तुर्की, चीन, मलेशिया, कुतर और रूस जैसी ताकतों को मिलाकर एक अहम ब्लॉक तश्कील दिया जाए, सऊदी अरब को हटाकर तुर्की को आगे लाया जाए। इससे न सिर्फ एशिया में पाकिस्तान मजबूत होगा, बल्कि सऊदी अरब और अमरीकी प्रेशर से भी जान छूट जाएगी।